हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th की एक पोएम विंड ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। ये जो पोएम है वो किस बारे में है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये पोएम गॉड ऑफ विंड यानी कि पवन देव के लिए उसके प्रति रिक्वेस्ट से शुरू होती है। पोएट पवन देव यानी कि गॉड ऑफ विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो धीमी गति से चले। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी खिड़कियों के शटरों को ना तोड़े। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके कागज़ों को ना बिखेरे। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बुक्स को शेल्फ पर से ना गिराए। लेकिन पोएट की रिक्वेस्ट का गॉड ऑफ विंड यानी कि पवन देव पर कोई असर नहीं होता। वो सभी बुक्स को नीचे फेंक देता है। वो उसकी बुक्स के पन्ने फाड़ देता है। वो बारिश को भी वापस ले आता है। पोएट इस कंक्लूशन पर पहुंचता है कि गॉड ऑफ विंड यानी कि पवन देव किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाने में बहुत ही माहिर है। जो कमज़ोर हो या कमज़ोर हो चुकी है वो कमज़ोर लोगों, कमज़ोर घरों, कमज़ोर दरवाज़े, कमज़ोर छतों की कड़ियों, कमज़ोर लकड़ी, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर जीवन और कमज़ोर दिलों का मजाक उड़ाता है। वो उन सबको तोड़ फोड़ देता है, कुचल देता है और इधर उधर बिखेर देता है। इसलिए पोएट कमज़ोर लोगों से कहता है कि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। उन्हें मदद या दया की भीख मांगनी नहीं चाहिए। वो अपने लिए मजबूत घर बनाएं। वो अपने घरों के दरवाजे पक्के बनाएं। उन्हें अपने शरीरों को ताकत वाला यानी कि बलशाली बनाना चाहिए। उन्हें अपने दिलों को पक्के निश्चय वाला बनाना चाहिए। और जब वो ये सब कर लेंगे तो गॉड ऑफ विंड यानी कि पवन देव भी उनके साथ दोस्ती कर लेंगे। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फायर। पोएट आग का एग्जाम्पल देता है। अगर आग कमज़ोर हो तो हवा यानी कि विंड पवन उसे बुझा देती है। अगर आग तेज़ हो तो विंड इसे और भी ताकत देती है। दूसरे वर्ड्स में बात करें तो गॉड्स यानी कि देवता लोग भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं। वो उन्हीं कुचल देते हैं जो कमज़ोर बने रहते हैं। पोएट कुछ एक कमज़ोर इंसानों को इमेजिन करते हैं जिन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया है। अब वो ऐसा सोचने लगे हैं कि गॉड ऑफ विंड यानी कि पवन देव एक अच्छा दोस्त है। अब वो हर रोज़ उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह पोएट ये बात बताते हैं कि कमज़ोर इंसान की कोई परवाह नहीं करता। गॉड्स यानी कि देवता भी हमेशा स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली की ही साइड लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम विंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।